मैं आया हूँ गगास नदी के तट पर स्थित पिंडेश्वर महादेव, जिसे पंचप्रयागी पिंडेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ के महन जी बाबा जी से कुछ उस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। आपको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिश्चंद डौरबी कहते हैं। हरिश्चंद डौरबी जी, ठीक ठीक ठीक। वैसे मूल रूप से हम लोग उपाध्याय लोग हुए। जी जी जी, उपाध्याय लोग। हाँ, रानीखेत के उधर एक गौरव गांव है। जी गौरव जी, वहाँ से हम आए होंगे इधर हमारे पूर्वज लोग। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पिंडेश्वर महादेव, पंचप्रयागी पिंडेश्वर महादेव, क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या यहाँ की महत्ता है, कृपया आप बताएं। जी, पहले तो ये जानना होगा कि इसको पंचप्रयागी क्यों कहा जाता है। असल में बात यह है कि जहाँ पर तीन नदियाँ या तीन धाराएं मिलती हैं उसको त्रिवेणी कहा जाता है। जी, कई जगह हमारे उत्तराखंड में हजारों जगह त्रिवेणियाँ हैं जी, जहाँ पर तीन नदियों का, तीन धाराओं का मिलन होता है जी। लेकिन यहाँ पर तीन के बजाय पांच धाराओं का मिलन होता है। अच्छा, पांच धाराओं का मिलन होता है। तीन तो है छोटे छोटे जिनको गधेरे कहा जाता है जी जी, इसके अगल बगल जी, एक हुई है गगास जी, और चौथा हुआ एक दिव्य धारा है पानी का, ठंडे पानी का जी। वो किस तरफ है? वो सामने है। अच्छा, और गगास, इसको गार्गी नदी भी कहा जाता है। गार्गी, हाँ, गार्गी नदी का पुराना नाम है, बाद में इसका नाम गगास पड़ गया जी। और ये इसका उद्गम दूनागिरी में माना जाता है, गार्गी ऋषि की जो तपोस्थली थी जी, दूनागिरी, दूनागिरी में। तो आज तो वो सब प्लॉटों में बटे हुए हैं। तो वो प्लॉट जहाँ पर ये था वो वहाँ पर गया हूँ मैं जी, इसका उद्गम स्थल जहाँ माना जाता है जी जी। तो वहाँ जमीन से ऊपर को पानी ऐसे आता है। अच्छा जी, पानी खोलता है वो ढंग से, जिसको शीर कहते हैं, शीर, शीर जिसे कहते हैं। अच्छा, जमीन से ऊपर को पानी फूटता है। तो आप जान सक, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस गगास नदी, इस गार्गी नदी का जल कितना निर्मल, कितना शीतल और कितना गुणकारी होगा। उसके अलावा फिर वहाँ पर जब बनती है तो इसको बुजुर्गों ने इसको पंचप्रयागी का नाम दिया जी, पंचप्रयागी का नाम दिया जी। अब जहाँ तक इतिहास का सवाल है तो यहाँ पे एक प्राचीन छोटा सा, पहले पहाड़ में छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे जी, तो उसी रूप में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, उसमें शिवलिंग स्थापित था। वो शिवलिंग किस काल से था या प्राचीन था? अभी तो अति प्राचीन है। अच्छा, उसका कोई इतिहास नहीं है जी। बाद में उसको यहाँ तिवाड़ी खोला के कोई तिवाड़ी लोग रहे, तो उन्होंने उसको थोड़ा उसमें सुधार किया उस मंदिर में जी। ये सिद्धिविनायक गणेश जी। सिद्धिविनायक गणेश जी जी। तो यहीं से पूजा आती है जी। इसके बाद हम आते हैं